घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी। शांति, लगता है अब एक आध घंटा ऐसे ही रहेगा। मालिश हो गई, नहाना हो गया, बॉटल स्टेरिलाइज हो गई, अब माय टाइम इम्पॉसिबल। चलिए शांति ओवर, क्रांति शुरू। कमिंग बेबी, कमिंग। मेरी बेबी अविका, एक्चुअली नहीं, मेरी ओनर, मेरी मालकिन, ये अलादीन, मैं जिन, एक मिनट फरिश्ते समान और एक मिनट आंधी तूफान। सबसे मम्मी बनी हूँ ना, यही सीन है। एक्चुअली माँ नहीं, मुझे लगता है मैं महा बन गई, माता बन गई हूँ। जैसे 10 हाथ है मेरे, हर पल हर रात जगराता। नींद क्या है, सोना क्या है, ये सब तो मैं भूल ही गई हूँ। कौन हूँ मैं, क्या करती थी, क्या अरमान है मेरे, ये सब बह गया, यू नो, इस मम्मी बनने के समंदर में। आप में से कितनी औरतें हैं जो एग्जैक्टली यही महसूस कर रही होंगी, है ना? ये मेरा और आपका सफर है। पूरी टॉपसी टर्वी हो गई है लाइफ। स्केड्यूल का जैसे है ही नहीं, जो होना था वो होता ही नहीं है और जो नहीं होना था वो हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो वेट घटना था वो तो घटा ही नहीं, अभी तक लड्डू लग रही हूँ मैं। लड्डू खाओगे? नहीं, ऊपर से इन महारानियों की सेवा करते करते माओं को एक्सरसाइज का टाइम कहाँ मिलता है ना? जिम जाना या कोई भी एक्सरसाइज रूटीन शुरू करना आसान नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया कि इसमें रहकर ही इसका सलूशन निकालना होगा, है ना बेबी? चलिए देखते हैं कैसे। एक्सरसाइज को ऐसे प्लान करो कि वो आपके हर रोज की रूटीन में फिट हो, और अपने बेबी को भी उसका हिस्सा बनाओ। उसके पसंद का म्यूजिक, कलर्स, प्रॉप्स यूज करो। आउटडोर्स चले जाओ, वॉक के साथ कपल करो, उसको भी ले जाओ। उसको एंटरटेन रखो और अपना एक्सरसाइज भी जारी रखो। बेबी भी खुश, मामा भी खुश।